हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ATS 241001 और मैं बनाता हूँ टेक्निकल वीडियोस और कुछ इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस जो कि टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिससे आप समझ सकते हैं कि इनकॉग्निटिव क्रोम जो होता है, जिसमें हम कुछ सर्च करते हैं तो उसकी हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं। बिकॉज़ हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल क्रोम में जब भी हम न्यू टैब करके सर्च करते हैं तब उसमें आप डिलीट नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्रोम पे गए हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हमने न्यू टैब पर क्लिक किया, न्यू टैब, यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो वो हिस्ट्री बन जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या सर्च किया। लेकिन एक होता है इनकॉग्निटिव, ये सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन, ये न्यू इनकॉग्निटिव टैब। तो इस पे जब हम कुछ सर्च करते हैं न्यू इनकॉग्निटिव टैब पे तो इसमें हिस्ट्री नहीं बनती है, ठीक है। तो उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता, हिस्ट्री बनती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री बनती है, योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। ये देखो नीचे लिखा हुआ, ये योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड साइट डेटा, इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म्स, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री हम लोग डिलीट कैसे करनी है वो हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्रोम, ठीक है, CHROM, क्रोम। क्रोम में ही देखना 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आएगा chrome/chrome-url। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है देखते हुए, एक को पढ़ते हुए, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लमसम अप्रॉक्सीमेट 19 नंबर पे, ठीक है। क्रोम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे जब इस पे, तो आप क्रोम की हिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है। ये क्रोम की हिस्ट्री है जो कि आप नॉर्मल टैब से सर्च करते हैं, जो कि क्रोम से सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री बन जाती है यहाँ पे, ये देखो बनी हुई है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से बैक आना है क्योंकि हम लोगों को इनकॉग्निटिव की हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। तो ये बैक आ गए हम लोग, फिर हम लोग जाएंगे क्रोम नेटवर्क एरर्स, क्रोम नेट इंटरनल्स, ये क्रोम हिस्ट्री के थोड़ा नीचे है, ठीक है। क्रोम नेट इंटरनल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, फिर ये ऑप्शन होता है कि यहाँ पे प्रॉक्सी स्कॉट्स DNS और डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी, तो यहाँ पे क्लिक करना है हम लोगों को DNS पे। DNS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्ट रिसॉल्वर कैचेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, डोमेन, एक डोमेन लगता है यहाँ पे, एग्जांपल डालना होता है, लेकिन उसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा क्लिक करेंगे क्लियर हॉस्ट कैचेस, जो जितने भी हमने इनकॉग्निटिव से सर्च किए हैं, जो भी सर्च किया है वो कैचेस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी हिस्ट्री है वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, एक बार बस क्लिक करना होता है, बाकी इस पर कोई इंटरफेस नहीं आएगा, ना ही डिस्प्ले पे शो होगा कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। बस आपको यहाँ पे क्लियर हॉस्ट कैचेस पे क्लिक कर देना है, जितने भी कैचेस जो भी आपने सर्च किया है इनकॉग्निटिव में वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही अच्छी वीडियो है और आगे भी आपको ऐसी वीडियो आती रहेंगी इसी चैनल पे, आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।